बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की भरपाई को लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का जत्था फतेहाबाद से चंडीगढ़ कूच के लिए रवाना हुआ है, जो कि देर रात अंबाला पहुंचा। ये संघर्ष समिति बाढ़ से हुए नुकसान की फसल मुआवजे और बाढ़ में पशुओं के नुकसान के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते अब चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक सरकार के खिलाफ पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। वही एक किसान ट्रैक्टर ट्रॉलिया और राशन भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। 26 सितंबर से फतेहाबाद के पक्का मोर्चा से हमने पैदल विधानसभा के लिए कूच किया है, क्योंकि जो हरियाणा की सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही। बीमा कंपनियां बीमा क्लेम नहीं दे रही। बाढ़ से जो तबाही हुई है, बाढ़ का मुआवजा सरकार अभी तक कोई ऐलान भी नहीं कर रही, कब देंगी, कैसे देंगी, क्या मापदंड होंगे, कोई बताया नहीं जा रहा। किसान त्राही त्राही कर रहा है, फसलें बर्बाद हो गई है, गुलाबी सुंडी ने नरमा ख़त्म कर दिया। एक जगह बाढ़ है, दूसरी तरफ सोखा पड़ गया, मगर जो हरियाणा सरकार है वो लगातार किसान विरोधी नीतियां अपना रही है, किसानों को कोई राहत देने का काम नहीं कर रही। इसलिए हमने फैसला किया, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हजारों किसान हैं जो पैदल चल के 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके चंडीगढ़ की तरफ विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखा होगा जिसमें महिलाएँ बच्चे बुजुर्ग सब शामिल है, और कल ये काफिला और बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारी ये जायज मांगे हैं, सरकार को हमारी बात सुननी। वहीं पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के अंबाला पहुंचने पर शहीद भगत सिंह किसान यूनियन पंजोखरा साहिब ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तेजवीर सिंह ने बताया कि बाढ़ में किसानों और मजदूरों का बहुत नुकसान हुआ है और सरकार उचित मुआवजा देने को तैयार नहीं है, जिस कारण हर वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। बिल्कुल घेरा जाएगा, क्योंकि ये किसानों के फसलों के मुआवजे की बात है और बीमा कंपनी जो बागी हैं उनकी बात है, किसान की बात है, बाढ़ से परेशान है, सूखे से परेशान है, ऊपर से सरकार की जो नीति है उनके कारण परेशान है। और दिल्ली से भी बड़ा मोर्चा आपको चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर देखा जाएगा। ये फतेहाबाद से हमारे साथी पगड़ी संभाल जट्टा के जो पिछले 6 दिनों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं लगी है, और एक बड़ा मोर्चा लगाया जाएगा और इसके परिणाम आने वाले समय के अंदर इस भाजपा सरकार और केंद्र सरकार को भुगतने पड़ेंगे, और वहीं से ऐलान होंगे कि आगे का क्या फैसला लिया जाएगा। और निश्चय ही कल आप देखेंगे, कल जब यहां से काफिला चलेगा तो इस बात का पता पूरी सरकार को और पूरी चंडीगढ़ के प्रशासन को पता चल जाएगा कि कितनी संख्या के अंदर किसान निकल रहे हैं। बहरहाल किसानों ने अब साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ में दिल्ली से भी बड़ा मोर्चा लगाया जाएगा और इसका परिणाम आने वाले समय में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।